अहमदाबाद के लोगों के लिए है खुशखबर। अहमदाबाद वासियों को मिलेगी अब शुद्ध हवा। मेरे पीछे आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं वो मानव सर्जित पहाड़ है। इसको कचरे का पहाड़ बोलते हैं। पिराना डंपिंग साइट में अभी हम हैं, जहाँ पे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कामगिरी हाथ धरने में आई है। एक खास प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, बायो माइनिंग प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत आने वाले 2 से 3 साल में ये जो पहाड़ है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब कैसे ये प्रोजेक्ट काम करता है वो बताते हैं। तो जेसीबी द्वारा ये सारा कचरा कूड़ा उठाने में आता है, वो फिर जाता है ये रोटर में। रोटर के बाद फिर ये जो सारा जो कचरा कूड़ा है वो कन्वेयर में जाता है, यानी कन्वेयर में वो कचरा कूड़ा फैलता है और फिर बाद में ट्रोलर के अंदर जाता है, और ट्रोलर के बाद वो जो कचरा कूड़ा है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, जिसमें से सॉलिड वेस्ट यानी कि प्लास्टिक हो और साथ में कपड़ा हो वो एक तरफ निकलता है, और दूसरी ओर पत्थर निकलता है, और तीसरी ओर फर्टिलाइज़र निकलता है, जो किसानों के लिए भी काफ़ी मदद रूप मानने में आता है। यानी कह सकते हैं कि पिछले आने वाले जो 2-3 साल है उसमें से ये जो कचरे का पहाड़ है वो एकदम से हट जाएगा। काफ़ी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये काफ़ी टाइम से इसकी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अब इसका इम्प्लीमेंटेशन भी करने में आ रहा है और तकरीबन मानने में आ रहा है कि आने वाले और दिनों में ऐसे 40 मशीन और भी लाने में आएंगे। तो कह सकते हैं कि अब अहमदाबाद के लोग जो है वो एकदम शुद्ध हवा ज़रूर से ले पाएंगे। कैमरा पर्सन उज्ज्वल ओझा के साथ सौम्या सिंह, गुजरात तक, अहमदाबाद। सुबह जब हम आएंगे तो अपना कचरा प्रोसेसिंग करेंगे और ये 3 हिस्सों में बढ़ जाती है, और इसमें से खाद निकलेगा और जो RDF निकलेगा वो हम पावर प्लांट को सप्लाई करते हैं। कितने घंटे चलती है ये? सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक चलती है। उसमें 300 टन 300 टन हम प्रोसेसिंग करते हैं, हाँ। और 400 कुछ टन अपना कचरा आता है।